आरजेएन 24x7 न्यूज, मैं शुभम उपाध्याय। तो वो अपन कलाकार के टीम वाला भी बधाई देता हूँ एकरे नाम से कि मोर पिक्चर में बहुत दिल खोल से काम करते, ओकर नतीजा बहुत अच्छा आते और आप सबके सहयोग तो मोला हमेशा रहते और मैं आशा वही उम्मीद कर रहा था कि आप उनके सहयोग मोर ऊपर हमेशा बने रहे ताकि मैं आगे भी सके। देखेंगे तेरा भाई से 55 स्क्रीन में जब ये आ रही है फिल्म, तो ये मेरा तो एक छोटा सा परिचय था, साथ में ये बातें भी करी गई। तो फिल्म के निर्माता छोटेलाल साहू जी से मैं कहूँगा कि वो अपनी बात करता हूँ, किया हूँ मैंने, और अभी आगामी बहुत जल्दी शायद बांग्ला मूवी भी करूँगा अलग अलग रीजन की। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं, 127 फिल्में मेरी हो चुकी हैं। चलहट कोनो देख ली मेरी 125वीं फिल्म थी, उसके बाद मैंने दो फिल्में और की, 127 फिल्म मेरी हो चुकी है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि सतीश जी की 90-95% फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा अपने फिल्म का जो है कोई एक बेहतरीन पात्र हमेशा दिया है, चाहे वो चरित्र अभिनेता का हो चाहे विलन का हो, वो हमेशा मुझे रिपीट करते रहे, मेरा सौभाग्य है। दिनेश साहू जो है हॉलीवुड के एक्शन स्टार हैं जो इस फिल्म में है, और अनिकृति चौहान जो इस फिल्म की हीरोइन है वो है इसमें। दिलेश साहू जो है बहुत मेहनत की इन्होंने दोनों हीरो हीरोइन इस फिल्म में और बहुत अच्छा काम किया है। कल ठोकर खाए में आते और तू हर जैसे कुकुर मन के कल सिर्फ लात खाए में आते। रिश्वत खोरी कर थो, हफ्ता खोरी कर थो, चोट्टा हो। चुप रह डोगरी, नहीं तो ताऊला अंदर कर दूँ। तो बाप के राज है ताई मौला अंदर कर दे है। मंत्री जी, ऑटो वाला आपकी बेटी को लेके भाग गया है, इस पर आपकी राय क्या है? ये पीछे उसके 500-700 लोग जो है रोजगार प्राप्त करते हैं, तो वो भी अपने आप में है, जो कई लोग जो सिनेमा के भरोसे ही है, उनका परिवार किसी से चल रहा है, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं, उनको कोई दूसरा काम आता नहीं है। तो जब कोई प्रोड्यूसर एक फिल्म प्रोड्यूस करता है और उसमें जब 600-700 लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और महीना डेढ़ महीना जो है वो प्रोसेस चलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप एक चैरिटी का हिस्सा है। बाकी मुख्य रूप से अपने गांव में उन्होंने जो है पुलिया निर्माण करवाया है, इस तरह के जो सोशल वर्क होते हैं ऐसे छोटे छोटे करते रहते हैं, उसको हर कोई व्यक्ति अपनी बात तो रख नहीं पाता है, तो वो भी इस तरह से नहीं रखता है, बहुत सरल सज्जन है। सबले पहले जय जोहार। आप मन जो बोला था कि अभी तक के दो फिल्म फिट गए हैं, तो वो हमारे यहाँ के सतीश जैन जी के फिल्म ला देखे पर दर्शक 2 साल भी वेट करते हैं, और जब सतीश सर आते तब तो कुछ बाढ़ लाते हैं। तो ये बढ़िया बात है कि अभी सतीश सर जब जब फिल्म लाते तब हमारी इंडस्ट्री ला एक मुकाम में लाते हैं। सतीश सर के फिल्म में खास ये रहती कि उकर गाने, म्यूजिकल, उकर टेप, मतलब सारी चीज़ टेक्निकली, यहाँ तक उकर आर्टिस्ट मन जे फिल्म में, ये फिल्म में मैं भी काम करें अभी तक दर्शक ला मैं जैसे काम करत देखें ओकर से कई डिफरेंस काम मोर नज़र आई है फिल्म में, ओकर लिए मैं सतीश सर ला धन्यवाद बोलूँ। और दर्शक ला यही अपील करूँ कि 13 मई के छत्तीसगढ़ के 55 सिनेमा घर में आवत है पहली बार, और हमारे यहाँ बहुत पब्लिक मन के पास नहीं पहुँच पाए फिल्म, ये बहुत अच्छा खुशखबरी है आप सब दर्शक ला कि आप सबके शहर के पास में लगने वाला है चलहट कोनो देख लिए 13 मई के। तो आपसे अपील यही करूँ कि आप सब जरूर जाके देखो 13 मई के चलहट कोनो देख लिए जी। आप सतीश जैन के साथ काम किए, अभी पहले कई उनके साथ काम किए, सतीश जैन के साथ काम करके कैसा लगा आपको? मैं तो सबसे पहले सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, काबर कि सतीश सर के साथ तो हर कोई एक्टर के सपने रहते कि काम करे के मौका दे, वो तो मोला पूरा फिल्म में कास्ट कर ली, सब मैं खुशनसीब हूँ ओकर साथ काम करके, बहुत बारीकी चीज़ में सीखे मिले हूँ, टाइमिंग के का है, डायलॉग डिलीवरी का है, हर एक एक सीन के बहुत बड़े मतलब कहा जाए एक एक बारीकी चीज़ सीखे मिले मोला सतीश सर के साथ। आपका नाम बताओ? मोर नाम है दिलेश कुमार साहू, और दर्शक से यही अपील करूं कि आप सब 13 मई के नज़दीकी सिनेमाघर में जरूर जाके देखो चलहट कोनो देख ली, और मैं 100% बताता हूं ये फिल्म पैसा वसूल फिल्म है, ये मोर पूरा भरोसा है। इस फिल्म को लेकर ये बोलना है कि सभी दर्शक भाई से निवेदन है कि इस फिल्म भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, जैसे हंस जन पगली में मतलब बहुत मज़ा आया कि
एक फिल्म को कई बार मतलब 7 बार 6 बार 5 बार ऐसे देखे, वैसी टाइप के इस फिल्म में भी मतलब लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देगा इस, और पिक्चर बहुत साफ सुथरा बनी है, तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सतीश चाचा का तो डायरेक्शन का कोई जवाब ही नहीं है, वो चाहते हैं कि पब्लिक क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या मतलब देखना पसंद करते हैं, वो सब चीज़ को सोच सोच कर करते हैं और हर चीज़ उसका प्लानिंग से रहता है। इस कारण उसका पिक्चर हिट होने का कारण वही है, वो हर चीज़ प्लानिंग से करता है। सर क्या छत्तीसगढ़ के बाहर भी लग रही है? अभी तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में लग रहा है, इसके बाद बाहर में भी लगेगा। ये टाकेश के बाद क्या सिल्वर स्क्रीन में भी नजर आएंगे? हाँ हाँ। आपका नाम बताए? छोटे लाल साहू। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सतीश जैन जी चलहट कोनो देख ली के निर्देशक हैं और वो सिल्वर जुबली डायरेक्टर हैं। आज तक उनकी कोई भी फिल्म फेल नहीं हुई है, या तो सिल्वर जुबली हुई है या 100 डेज हुई है, या उन्होंने सिल्वर जुबली नहीं करना इसलिए 100 डेज नहीं की, ऐसा ही उन्होंने किया। तो जो भी है, सतीश जैन एक बड़ा नाम है और वो इतना प्रॉपरली फोकस करते हैं, जैसे आमतौर पर बहुत सारे लोग सिर्फ सिनेमा बनाते हैं, पर सतीश जी ये देखते हैं कि सिनेमा के साथ साथ व्यवसाय कैसे किया जाता है, इस पर भी वो शोध करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। और जो दूसरे लोग लैक हो रहे हैं, जिनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शोध की कमी है कि उन्होंने व्यवसायिक स्तर में उस तरह से जो है नहीं सोचा। जैसे एक फिल्म अभी जो है RRR और KGF के बीच में रिलीज़ कर दी गई, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने थॉट लेवल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमने या तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए या फिर कुछ ऐसा हमने उस तरफ विचार ही नहीं किया और अनायास ऐसा हुआ। तो अच्छी फिल्मों को भी जो है उस तरह का अगर सही डिसीजन ना लिया जाए रिलीजिंग का, तो ऐसा प्रभाव पड़ता है और फिल्म फ्लॉप होती है। मुझे लगता है कि चलहट कोनो देख लिए एक बहुत ही मजबूत फिल्म है, जिसकी रीढ़ की हड्डी बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये फिल्म नारी सशक्तिकरण के ऊपर में है और बहुत ही कमाल बनी है। सतीश जी का जो है रिदम सेंस बहुत बहुत ज़बरदस्त है, उनको मालूम है कि यहाँ के दर्शकों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से वो फिल्म बनाते हैं, इसलिए उनकी जो है फिल्में हमेशा सक्सेस होती हैं। तो चलहट कोनो देख ली एक साथ 55 स्क्रीन में आ रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो कलेक्शन लेके जाएगी वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। आपका नाम? मेरा नाम रजनीश झांजी।